तैयार देश में एक प्यार की निशानी है जिसे पूरा विश्व ताजमहल के नाम से जानता है। और शाहजहां अपनी बेगम से इतना बेइंतहा मोहब्बत करता था कि उन लोगों की 13 साल के शादीशुदा जीवन में 12 बच्चे हो चुके थे तथा 13वां हो रहा था उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और उसके प्यार को प्रदर्शित करने के लिए कि हम अपने बीबी से इतना प्यार करते थे, एक सप्ताह के अंदर ही वह अपनी बीबी के बहन से शादी कर लिया। खैर छोड़िए, अब हम बात करने वाले थे देश के भ्रष्टाचार की जो निशानी थी ट्विन टावर की, तो हम पहुंच गए शाहजहां के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्विन टावर को सरकार के द्वारा कोर्ट के आदेश के माध्यम से उसे तोड़ दिया गया, लेकिन क्या वाकई में यह सही हुआ या बिल्डर यदि गलत किया हो तो शायद इसका गलती का कारण भी नहीं पता चल रहा है कि उसको बनाने के जो इंजीनियरिंग तरीका था वो गलत था या भ्रष्टाचार से बनाई गई थी या उन लोगों के जो बनाने का जो जगह था वो गलत था, क्या था। लेकिन एक चीज़ सरकार को ना सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं और उनका सपना होता है कि हम अपना घर कहीं पर खरीदें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे पैसे दे चुके होते हैं, तो क्या उन लोगों को पैसा वापस मिल पाएगी? या सरकार को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि यार उनकी तो गलती नहीं है ना। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को पैसा बर्बाद ना हो तथा उन्हें कोई भी माध्यम से पैसा वापस मिल जाए, क्योंकि यार ये उनकी जमा पूंजी होती है और यदि इस तरह से उसे गिरा दिया जाए और उन्हें अपना आशियाना ना मिले तो कितने दुख की बात है। तो सरकार को इस पर बहुत ही ज़रूरी है कि ध्यान दे।